चोटियों में थूक लगा रहे हैं। बुलडोजर का एक्शन देश में योगी मॉडल का प्रतीक है। अपराधियों का एनकाउंटर योगी की मजबूत छवि का मॉडल है। लव जिहाद के खिलाफ कानून योगी के हिंदुवादी तेवर को दिखाता है। महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। और अब खाने के खलनायकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी नजीर बनता दिख रहा है। ये भी रोटियों में थूक लगा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर भी आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। जो कानून हमने लाया, हमारा हिमाचल हमारा शासन नहीं है, वहाँ कांग्रेस का शासन है, लेकिन उस सरकार ने भी हमारे इस कानून को एडॉप्ट करने का काम किया है। ये कड़क कानून जो है, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वागत योग्य है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी अनुरोध करूंगा, करोड़ों लोगों के संरक्षण के लिए इसी प्रकार का आदेश जारी करें। असल में हुआ ये कि यूपी सहित देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें जिसमें कोई जूस में पेशाब मिलाता दिखा, कोई रोटी पर थूक डालता। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों की बाढ़ सी आई और इन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अफसरों की मीटिंग में आदेश दिया था। ठीक इसके एक दिन बाद यानी बुधवार को हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। कांग्रेस के नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बाकायदा बयान में यूपी का नाम लिया। अब खबर ये कि इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विक्रमादित्य को फटकार लगाई है। कांग्रेस सूत्रों ने हमें बताया है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणियों से पार्टी नेतृत्व असहज है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नाराज हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्री को फटकार लगाई है, साथ ही सीएम सुक्खू को भी नसीहत दी गई है। खबर ये भी है कि इसके बाद सीएम और मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व को सफाई दी, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने यूपी मॉडल से जोड़ने की बात को गलत माना। ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपने ही कहा यूपी, उस दिन उन्होंने पूछा मेरे से, मीडिया ने उस दिन पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट, हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिस कोटेड। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है, हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है। यूपी की तर्ज पे कोई याद है, ये बेवजह का एक वो है। विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार हो के जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सके। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। असल में ये संयोग कहिए कि जिस दिन यूपी में फैसला लिया गया, उसी दिन मंगलवार को हिमाचल सरकार ने भी मीटिंग करके होटल और खाने पीने के दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया। हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इसको, इस पर अमल बंद कर दिया था। योगी जी की तर्ज पर उनके मंत्री ही कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनके ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया उसके बाद वो बदल गए। पहले शिमला की मस्जिद विवाद और अब नेम प्लेट विवाद की वजह से कांग्रेस का नेतृत्व हिमाचल में अपनी ही सरकार से सहज नहीं है, लेकिन योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और उस पर सियासत भी तेज है। और अब खबर ये है कि हिमाचल सरकार ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर अभी विचार ही किया जा रहा है। नेम प्लेट या पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.